हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दिल से रिएक्ट। सॉरी, मैं ये लग रहे है ना पुनीत का वीडियो देख देख के ये और ये वीडियो का नाम है लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार रोस्टेड मी ट्री विथ ट्रिगर डिंसा। चलिए देखते हैं। कैसे हो मेरे YouTube के चैनल वाले, आजकल के भिखारी छिप रहे भिख मंगे चप्पल से हो मेरा रील्स का चाने वाला था दोस्तों, आजकल के नल्ले बेकार छिप रहे भिख मंगे चोर छिप रहे और साले चप्पल चोर भिख मंगे खस्सी कलोनी पीता पूरा के भिख मंगे चोर साले लड़के बड़े बड़े यूट्यूबर को दिखाने के लिए, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को दिखाने के लिए साले भिख मंगे चोर साले गुड़गांव में कोटी बंगले पोस्ट करते किराए का फ्लैट लेते हैं 2-4 हजार का, ताकि बड़े बड़े यूट्यूबर को इन्फ्लुएंसर को ये लगे कि ये भिख मंगे चोर साले भाई कोटी बंगले वाले ट्रिगर्ड इंसान है। चोर साले एक बार बताओ, ये खाने के लिए तुम्हें शिष्ट कर देती, पीने के लिए तो लिया यार, इतनी देर से यार प्यास लग रही है क्या यार। बैठो लॉर्ड जी, बैठो, पानी लाओ यार, जूस आपके लिए यार, साले जूस ला भाई, जल्दी लाओ यार, जल्दी जल्दी दे भाई, जूस दे भाई को। अबे सालो भिख मंगे ट्रिगर इंसान, एक बार बता भाई, ये तू मुझे जूस इसमें दे रहा है चाय की गिलास में, ताकि सबको ये लगे कोठी मंगले वाला कोई आपके लिए यही ठीक है। यार पी ले फिर, इसे सर पे डाल लो, सर पे डालने भाई डाल दी वेलकम टू टी विद ट्रिगर्ड। बहुत ही कमाल का ये इंट्रो हुआ है। आज हैं हमारे साथ द लॉर्ड, द लेजेंड, द सेंसेशन पुनीत सुपरस्टार। भाई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू भाई, थैंक यू। आजकल के छपरी भिखारी चप्पल चोर भी मंगे, अबे साले जमूरे कबूतर जैसी शक्ल के अपना को ट्रिगर्ड समझ के बड़े बड़े कोटी मंगवा वाले इन्फ्लुएंसर को साले खुद को जो है इंस्टाग्राम का यूट्यूबर बताता है, ताकि बड़े बड़े कोटी मंगवाई लड़कियों को ये लगे और लोगों को ये लगे ये चोर साला ट्रिगर्ड को कोटी मंगवा वाला। एक बार बता भाई, तुमने प्रीतमपुरा में रहते हो, तुमने गुड़गांव में जो है फार्म हाउस बुक कराया मेरे लिए, ताकि मुझे क्या लगे आजकल के छपरी भिखारी चप्पल चोर भिखमंगे अपने नाम के आगे पुनीत सुपरस्टार लगा लेते, ताकि बड़े बड़े कोटी मंगले वाले लगे कि ये भी शाहरुख खान सलमान खान की तरह कोई बड़े सुपरस्टार। नल्ले बेरोजगार खस्सी कलोनी के लड़के, एक बार बता तुझे ट्रिगर किसने बताया? ट्रिगर तो साले अमेरिका वालों का नाम होता है, तुझे किसने बोला रखने के लिए? आजकल के नल्ले बेरोजगार छपरी भिखमंगे चोर जब कतरे और साले चप्पल चोर भिखमंगे लड़के एप्पल की कॉपी पहन कर आते हैं, ताकि बड़े बड़े कोटी मंगाई लड़कियों को ये लगे ये भिखमंगे चोर साले कोई कोटी मंगाई लड़के। देखो दोस्तों, एप्पल की घड़ी पहन रखी है, लेकिन इसके नीचे जो है ये मोर जो है चाइना की लगी है। डिजाइन वाली जींस अगर आप किसी शोरूम में लेने जाती हो तो कम से कम 2-2.5 हजार की मिलती है, लेकिन आजकल के छपरी लड़के पहले 300 रुपए की प्लेन जींस लेते हैं और टेलर के पास जाके 50 रुपए अलग देके वाली चप्पी लगवाते हैं। वो जींस को जो है 350 रुपए में पड़ जाती है प्रॉपर वैसी, लेकिन अगर ऐसी डिजाइन की जींस लाके बोलो ट्रिगर भाई सही बात कह रहा हूँ या गलत बात कह रहा हूँ? आपने आप पहले ये प्लेन जींस लेकर आए हो, उसके बाद आप टेलर के पास गए हो, 50 रुपए अलग से दिए कि भाई इसको फाड़ के चप्पल लगा दे, तो टेलर ने आपसे पूछा कि भाई कौन से कलर की चप्पल लगाऊं, बोला साले तेरे पे कोई भी कपड़ा पड़ा हो सूट बूट लुंगी मुंगी कच्चे अच्छे का वही काट के लगा दे, जो भी लगा दे वस्तु, धन्यवाद। आजकल के भिखमंगे के और चोर और खस्सी कलोनी के लड़के नकीने वाली अंगूठी पहनकर आते हैं, ताकि बड़ी बड़ी कोटी मंगवा वाली लड़कियों को ये लगे कि ये भिखमंगे चोर साले कोई कोटी मंगवा वाले लड़के हैं। अच्छा, आजकल के चप्पल चोर और भिखमंगे साले खस्सी कलोनी के लड़के ट्रिगर नाम रखकर और नजर उनकी कम नहीं होती, लेकिन जबरदस्ती नजर का चश्मा लगाती है, ताकि लोगों को लगे कि ये अच्छी बड़ी अच्छी खासी किसी कोठी मंगलों का लड़का है, धन्यवाद। ये एक्चुअली सच है, पता है ये सच नंबर नहीं है। तो देखो भाई, इसका कोई नंबर नहीं है, सर इसने इसीलिए लगा रखा है, बाकी रस्ते में जब कारवार में कैफे में घूमे तो लोगों को लगे किसी ऑफिस वाला लड़का है, लेकिन लोगों का पता ये चप्पल चोर साला यूट्यूबर से पैसे कमाता है घर में खाली बैठा बैठा, धन्यवाद। मैं तो टूट गया भाई, मैं तो टूट गया। ओहो ट्रिगर भाई, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ये देखो ये क्या कह रहा है भाई, ये ट्रिगर भिखमंगा साला ये कह रहा है मैं टूट गया, और इसके मां-बाप से जाके पूछो, जब इसके मां-बाप ने इसके जैसी गंदी शक्ल का लौंडा पैदा करा था, जब नर्स ने इस गंदे आदमी को इसके मां-बाप के हाथ में ठोका था, तो इसके मां-बाप कितना टूटे होंगे इसकी गंदी शक्ल देखकर। इसके मां-बाप से जाके पूछो, शर्म आ रही है तुझे? तू एक बार बोले ट्रिगर भाई, शर्म नहीं आई अपने घर वालों को पैदा होगा? इतने पापा तेरे अच्छे हैं, इतनी मम्मी तेरी अच्छी है, अपने जैसी गंदी शक्ल का लौंडा तेरे घर में प्रीतमपुरा में तेरे घर में पैदा हुआ, अपने मां-बाप पे तरस नहीं आया तुझे? तुम्हारे घर में शीशे नहीं है? इसके घर में शीशे नहीं? तुम्हारे घर में शीशे नहीं है? चप्पल चोर साले, तो अपनी शक्ल देख। अरे चप्पल चोर भिख मंगे ये लौंडे जो है दूसरे लौंडे को इज्जत बोलते रहते। अच्छा एक बार बताओ भाई, सही से बताना, मैं जितने भी बंदे कमेंट करो कि हम दोनों में से शक्ल में छपरी और स्टैंडर्ड कोठी मंगले वाला कौन लग रहा है? ये भाई बिल्कुल एकदम चोर लग रहा है। अरे ये छपरी भिख मंगे चप्पल चोर लौंडे, ये जो है ये ऐसे रीबॉक की सस्ती सदर बाजार से जैकेट पहन के आ जाते हैं, और फिर उसके बाद ये जो है बड़े बड़े कोठी बंगले वालों में एयरबीएनबी में बैठ। सुनो मेरे, ऐसे चोर साले ट्रिगर नाम के लड़के साले 200 रुपए वाले जूते लेकर आते हैं, बाकी लड़के स्पोर्ट्स शूज पहन के, ताकि बड़े कोठी
लड़कियों को ये लगे ये चोर साले बॉबी देओल है कोई, ऐसे भिगमंगे चोर साले क्रिकेट मैच करके अपने बाल जबरदस्ती मशीन से घुंघरालू करवा लेते हैं ताकि लोगों को लगे ये भिगमंगा चोर साला कोई बॉबी देओल का कॉपी है। और देखो ये वाली जैकेट पहन कर आया है अलग अलग कलर की, इसमें साले चट्टी जोड़ जोड़ के लगा रखी है, इसमें क्या बीती होगी इसके माँ बाप के दिल पर जब नर्स ने ये बोला होगा लो जी ये पैदा कराया आपने, लो बताओ ये पैदा कराया जिंदगी में कभी किसी ने नहीं करी है। थैंक्स भाई, ये सोच ले कि मैंने भाई तेरी सारी की तो भाई शक्ल के लोंडे को मैंने देखे गधे पे बैठा के काला मुंह करके गार्ड घुमाते हैं, सही बता रहा हूं मैं, बच गया तो सही बता रहा हूं, साथ में चोरों की टीम अलग पकड़ रही है भाई, मैं सही बता भाई ये लोग एक दूसरे के साथ इंटरव्यू करने आए थे, मेरे को तो नहीं लगता दोनों भयंकर रोस्ट पे रोस्ट किए जा रहे एक दूसरे को, मतलब नॉन स्टॉप इतना रोस्ट और दोन मेन बात है कि एक जन बोले एक जन सुनने वाला तो ठीक है भाई, दोनों ही बोले जा रहे हैं दोनों ही रोज कर रहे हैं एक दूसरे को, और इधर पहली बार ऐसा होगा कि ट्रिगर पेट पकड़ पकड़ के हंसते जा रहे हैं, मेरे को खांसी तक आ गया मैं अपना खांसी नहीं रोक पाया देखिए इसके बारे में मैं कुछ ना ही बोले तो बेटर है क्योंकि आप लोग देख चुके हैं ठीक है, और जाके इनका वीडियो भी देखिएगा बहुत फनी है तो बहुत ही मस्त है, दोनों बातचीत तो बाद में पहले रोज कर ले तो काफी है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा, और अपना फेवरेट बताइएगा ट्रिगर्ड है या लॉर्ड पुनीत है आपको, हाँ आपको दोनों में से कौन सबसे ज्यादा फनी लगा, लॉर्ड पुनीत या ट्रिगर्ड इंसान, आपके कमेंट्स का जरूर वेट करेंगे, तब तक लिए हम लोग अपना हंसी थोड़ा रोक लेते हैं, बाय।